काली टोपियाँ, तो ये भी आप अपने आप बनाते हैं? हाँ जी, जो कपड़ा हल्का लगे तो फिर 100-150 में चली जाती है, और जो अच्छे कपड़े में बनाएंगे तो 200 तक। आप 3K ऑर्गेनिक स्टोर डालोगे तो ऑनलाइन इसका है, विदेशों में भी मेरा सामान जाता है, और साथ में दिल्ली, नोएडा, बॉम्बे, महाराष्ट्र, इन जगहों में मेरा सामान जाता है, मेरे स्टोर से ही जाता है। ये ऑर्डर मेरे नंबर पर ही आते हैं, मेरा नंबर है 8445168380, रीना उनियाल। नमस्कार, प्रणाम, मैं सुरेश बरूनी और आप देख रहे हैं गढ़वाल की संस्कृति। मैं आज अभी ऋषिकेश में हूँ और आज मेरे साथ में रीमा उनियाल जी हैं। आप तिलो रोतेली और नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित हो चुकी हैं। पहले तो मैं आपको ये दोनों पुरस्कार मिलने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आप ढालवाला ऋषिकेश में ऑर्गेनिक स्टोर का काम करती हैं और फूड प्रोसेसिंग, ऑर्गेनिक जो उत्पाद होते हैं वो भी आपके ऑर्गेनिक स्टोर के द्वारा आप उनको लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, और ऑनलाइन के माध्यम से भी आप लोगों तक यहाँ उत्तराखंड के जो उत्पाद हैं वो लोगों तक पहुंचाने का आप काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम रीना उनियाल है, मैं ढालवाला मुनि की रेती में रहती हूँ, और 4 साल पहले मैंने अपनी एक संस्था खोली थी, देवभूमि माँ गंगे स्वयंसेवी चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसमें मैं महिलाओं को रोजगार से जोड़ने और उन्हें प्रशिक्षित करने का कार्य कर रही थी, जैसे कि सिलाई सिखाना, ब्यूटी पार्लर सिखाना, योगा सिखाना, कंप्यूटर सिखाना, और अचार बनाना, जैसे होम प्रोडक्ट जो होते हैं, जैसे हमारे घरों में यूज़ होते हैं, तो ये सब मैं उन्हें सिखाती थी। लेकिन फिर मैंने कुछ टाइम बाद सोचा कि स्वयं सहायता समूह बना के उन्हें और फ़ायदा दिया जा सके, तो फिर मैंने कई समूह बनाए, और आज ढालवाला मुनि की रेती में कई समूह मेरे द्वारा बनाए गए हैं, और उसमें कम से कम 150 महिलाएं मेरे पास काम भी करती हैं, जो रोजगार से भी जुड़ के भी काम करती हैं और सीखने का भी काम करती हैं। साथ में मैं जो ये झोपड़ियों में या फिर जो ये सड़कों में बच्चे काम करते हैं कूड़ा बिनने का, या फिर इनको मैं बीच बीच में जाकर प्रशिक्षित भी करती हूँ, उन्हें जागरूक भी करने का प्रयास करती हूँ कि वो ये काम ना करके पहले पढ़ाई करें, पहले शिक्षित हों, इसके बाद ही अपना आगे का करें। फिर साथ में बीच में एक महामारी, बहुत बड़ी महामारी आई थी लंपी, तो उससे हमारी गायें, पशु, हमारे रास्ते में एकदम से मर रहे थे, जो सामान तो ये भी मुझसे देखा नहीं गया, आप कार्य कर तो रहे हैं। इसमें भी मैंने काफ़ी काम किया, इसमें मैंने एक अभियान शुरू किया नगर पालिका की टीम को लेके, अपने डॉक्टर ये पशु चिकित्सा अधिकारी को लेके मैंने एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया, और अपने ढालवाला में मुनि की रेती में जितनी भी गायें, जितने भी नंदी, जितने भी पशु थे उनको सुरक्षित और स्वस्थ किया, और मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ा हर्ष हुआ कि मतलब मेरे एक छोटे से प्रयास से मतलब मैंने कई पशुओं की जान बचा पाई, और उसमें 300 पशुओं का अनुमान था, सरकारी हमारे अधिकारियों ने ही उस चीज़ का वो लिया था कि 300 गायें और पशु हमारे द्वारा बचाए गए हैं। और फिर इसी तरीके से हमारे धीरे धीरे छोटे छोटे कार्य चलते ही रहते हैं, और फिर उसी को देखते हुए कृषि विभाग ने भी एक ऑर्गेनिक स्टोर दिया है, क्योंकि मैं जगह जगह पे महिलाओं को जब हम कुछ बनाते हैं तो उसको बेचे कहाँ, कैसे उनको रोजगार से जोड़ें, अब सिखा तो दिया लेकिन महिलाओं का कहना है कि दीदी हम बना तो लेंगे, करेंगे क्या इसका, तो फिर उसके चलते मैंने कई स्टॉल्स लगाए अपनी नगर पालिका में, जो भी हमारे छोटे मोटे मेले होते हैं उनमें मैंने स्टॉल्स लगवाए अपने। फिर साथ में मैं नोएडा भी गई, जहाँ मैंने 25,000 का स्टॉल लेके महिलाओं के सामानों को बेचा, उनको सेल किया, उनको अर्निंग करके लेकर आई। साथ में मैं पहाड़ी ड्रेसेस भी बनाती हूँ, जैसे हमारे ये जौनपुर, जौनसार, टिहरी की हमारे जो ये घाघरे चोली होते हैं इनको भी मैं बनाती हूँ, जो किसी को चाहिए हो तो वो भी मुझसे संपर्क कर सकता है, क्योंकि मैं पहाड़ी चीज़ों को सभी को प्रमोट करती हूँ, जैसे हमारे पहाड़ी ये कोदे के बिस्किट बनाते हैं, कोदे की नमकीन बनाते हैं, और मैंने उसी यही सोचते हुए एक पहाड़ी रसोई का भी निर्माण कर रहे हैं हम, अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसमें लेकिन हो जाएगा। और हमारी पहाड़ी सारी हमने जो किसान हैं हमने उनसे भी संपर्क किया कि उनका भी माल हम कैसे आगे तक पहुँचाए, कैसे हम अपनी पहाड़ी चीज़ों को आगे, क्योंकि देखो जब हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, शरीर ठीक रहेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे, इसलिए। और जो हमारा मोटा अनाज है, हमारा मोटा मिलट्स है, उस पर तो सभी ध्यान दे रहे हैं, तो हम भी क्यों ना ध्यान दें। इसी को चलते हुए हमने 2-2.5 साल से हम इस पर भी काम कर रहे हैं, हम अपने पहाड़ी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, पहाड़ी चीज़ों को ला रहे हैं, बेच रहे हैं, उनकी सफाई, मतलब इससे हमारी कई महिलाओं को रोज़गार भी मिल रहा है और हमारी पहाड़ी चीज़ें आगे भी बढ़ रही हैं। शैम्पू इसके भीमल के,
कई चीज़ों को हम बनाते हैं साथ में, मतलब बस हमें एक ही वो है कि हम महिलाओं को रोजगार से कैसे जोड़ सकें और हम कितनी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को रोजगार दे सकें। स्वेटर वगैरह सब बनेंगी हमारी, क्योंकि मेरे पास कई समूह हैं, वो सारे काम करते हैं। मैं किसी समूह को कोई काम दे देती हूँ, किसी समूह को कोई काम दे देती हूँ, उससे क्या होता है सारे समूह भी काम करते हैं, सब महिलाओं को रोजगार भी मिल जाता है और घर बैठे वो कमा भी लेती हैं। जब ये सरस मेले लगे थे तो मेरे पास 10 स्टॉल थे इसके जी, तो उस टाइम पर मैंने ये काफी मात्रा में बनवाई थी। और ये है पहाड़ी टोपियाँ, तो ये भी आप अपने आप बनाते हैं? हाँ जी, डेनिम के कपड़े से बनाते हैं, तो जो कपड़ा हल्का लगे तो फिर 100-150 में चली जाती है और जो अच्छे कपड़े में बनाएंगे तो 200 तक जाती है। 200 तक मिल जाती है? हाँ जी, 200 तक मिल जाती है। और ये घाघरा चोली? ये 3,500 की है। 3,500 रुपए? हाँ, पूरा सेट, उसमें अच्छे कपड़े में? हाँ, ये बहुत अच्छे कपड़े में है, ये कपड़ा ही बहुत महंगा है, मैंने महंगे ही कपड़े में बनाई, इसलिए मतलब एक्सपेंसिव है वो। आप 3K ऑर्गेनिक स्टोर डालोगे तो ऑनलाइन इसका है, लेकिन कैलाश गेट मुनि की रेती में है, ये कैलाश आश्रम के बगल में है, यही है इसका नाम 3K ऑर्गेनिक स्टोर बीज भंडार। जैसा कि आपने अभी रीना उनियाल जी से सुना कि आप कोदे के बिस्कुट और पहाड़ी दालें और भीमल का शैम्पू और भी अन्य जो पहाड़ी उत्पाद हैं वो आपके पास यहाँ पर स्टोर में मिलते हैं, आप पहाड़ी ड्रेसेज भी बनाते हैं? ये ऑर्डर मेरे नंबर पे ही आते हैं, मेरा नंबर है 8445168380, रीना उनियाल। ये मेरे ऑर्गेनिक स्टोर पे डायरेक्ट भी आते हैं फ़ोन, और ऑनलाइन भी मैं कर देती हूँ इसकी व्यवस्था, विदेशों में भी मेरा सामान जाता है और साथ में दिल्ली, नोएडा, बॉम्बे, महाराष्ट्र, इन जगहों में मेरा सामान जाता है। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।